हे गाइस, वेलकम बैक। सम गुड न्यूज इज अ सीरीज जहां पे हम कुछ अच्छे न्यूज की बात करेंगे जो हर दिन हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास काफी खराब न्यूज चल रही है। मैं बस वही न्यूज को हटाना चाहता हूं आपके दिमाग से और हर दिन कुछ पांच अच्छे न्यूज आपके सामने लाना चाहता हूं। बस यही इस वीडियो का एम है। सो आज का पहला न्यूज ये है कि धारावी, जो मुंबई का एक स्लम है, झोपड़ी बस्ती बोलते हैं उसको, उसने जो हालांकि रिकॉर्ड किया है एवरेज ऑफ 18 न्यू केसेस डेली, और जिसका हाईएस्ट एवरेज था वो फर्स्ट ऑफ जून को था, जो कि 34 न्यू केसेस था, बट जो नंबर ऑफ नए केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही कम हो गए हैं जुलाई से। और इस एफर्ट को धारावी के सबने प्रेस किया है, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जी ने, साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्राइडे को ये एफर्ट को प्रेस करते हुए बोला गया कि जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है, एशिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लम, जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्लम है एशिया का, उसने सिंगल डिजिट राइज की है ऑफ पॉजिटिव केसेस में रिपोर्ट किया, मतलब कि एक अंकों का, तीसरा कंसेक्यूटिव डेज है इस वीक में। तो इसके बल पे उन्होंने, हम लोग को ये देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो धारावाही को इतना इम्पोर्टेंट बनाती हैं। पहली बात तो ये है कि धारावाही जो है वो 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका पॉपुलेशन जो है वो 8 लाख का है, और पीपल जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो ऊपर बस्तियों में रहते हैं, जहाँ यहाँ पे जो जो सड़क है वो बहुत छोटी सी गलियों टाइप की है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीवर है, मतलब नाली सब है। जो पहला धारावी का केस था वो 1 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ था, और नियर उसके 3 हफ्ते बाद, जिसमें जब मतलब पहले बेसिकली 3 हफ्ते पहले जब मुंबई ने अपना पहला केस पाया गया था मार्च 11 को, उसके बाद से गवर्नमेंट ने इंटेंसिव स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन जो ड्राइव है वो धारावी में लगाया। फिर धारावी ने 12 न्यू केसेस रिपोर्ट किए फ्राइडे को आफ्टर रिकॉर्डिंग 1, 3 एंड 9 न्यू केसेस ऑन ट्यूजडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे रिस्पेक्टिवली। जून 9 को जो टैली था कोरोना वायरस केसेस का धारावी में ही, वो पहुंच गया था 2347। जब उसके बाद जून पूरी तरह जून में हर दिन 18 न्यू केसेस मिल रहे थे, जिनका हाईएस्ट जो स्पाइक था वो जून 1 को था, हम लोग बात कर चुके हैं, 34 जो नंबर था। धारावी में अभी सिर्फ 166 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 1815 केसेस रिकवर हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन ये भी बोलना है कि 200 लोगों की मृत्यु भी साथ में हुई। हालांकि धारावी का जो COVID-19 का टैली है वो नीचे जा रहा है, लेकिन मुंबई और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र, उनका जो स्तर है वो ऊपर ही जाए पड़ा है। हमको ये भी जानना चाहिए कि शनिवार आज के दिन जो भारत का टैली है वो 8.2 लाख पहुंच चुका है। आज यहाँ पे करीबन 27,000 से ज़्यादा नए केसेस हैं और टोटल डेथ जो हैं वो 22,123 है। दूसरा न्यूज़ में आते हैं, बायोकॉइन का जो ड्रग है, बायोकॉइन एक कंपनी है, बायोकॉइन एक ड्रग कंपनी है जिसे DCGI ने नॉट दिया है एक ड्रग जो उन्होंने बनाया है आइटोलाइजुमैब, उसे यूज़ करने के लिए ट्रीट सीवियर COVID-19 पेशेंट्स। तो DCGI ने ये अप्रूवल दिया है कि इसे मार्केट कर सकता है आइटोलाइजुमैब इंजेक्शन को, जो कि 25 मिलीग्राम या 5 ml के सॉल्यूशन पे आता है फॉर इमरजेंसी यूज़ इन इंडिया, और ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम CRS के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि सांस लेने में जो होता है, जो प्रॉब्लम होती है COVID-19 के कारण, उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। और बायोकॉन ने ये प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि ड्यू टू COVID-19 इसे यूज़ किया जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि आइटोलाइजुमैब जो है वो पहला नोवेल बायोलॉजिक थेरेपी है जो कि अप्रूव किया गया है एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद मॉडरेट टू सीवियर COVID-19 जो है कॉम्प्लिकेशन के चलते हुए। आइटोलाइजुमैब जो है अब नया नाउ जो है अप्रूव किया गया है, जैसा कि हमने बोला, CRS, जो साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम के लिए। और ये जो कंपनी है वो ये भी बोल रही है कि ये प्लान कर रही है इसे दूसरे देशों में भी चालू करने का। तीसरा
न्यूज़ जो है वो छोटा भी है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी है। नया रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज आया हुआ है, जुलाई 10 को जो आया था, उसके हिसाब से चाइनीज़ आर्मी ने पेंगोंग लेक से पीछे हट चुकी हैं, और जो कि उन्होंने अपना टेंट वेंट जो बनाया था फिंगर फोर एरिया पे, जो कि बैंक ऑफ पेंगोंग लेक में है, और वहाँ से वो पीछे हट रही है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे चाइनीज स्ट्रक्चर जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से पीछे हट चुकी। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो इसलिए है क्योंकि बीच में एक ग्रे एरिया है जहाँ से आप बता नहीं सकते कि इंडिया जो है वो ग्रे एरिया के जहाँ पे चाइनीज का शुरू होता है वो वहाँ तक अपना जो है वो एरिया बताती है, चाइना अलग बताता है। चाइना का नए मैप ने पूरा फिंगर फोर तक ले लिया है, जो कि फिंगर एट से उसका ओरिजिनल एरिया चालू होता है जो इंडिया बोलती है। तो ये डिस्प्यूट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो टेंट लगे थे जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी वो वहाँ से लोग जो है वो पीछे हट चुके हैं। तो ये न्यूज़ आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट में। तो आज की चौथी न्यूज़ जो है वो बाहर से है, इंडिया के। जो यूएई है उन्होंने एक मार्स मिशन लॉन्च करने की बात की है, जुलाई 15 में वो लॉन्च करने वाले हैं, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान से। और ये जो मिशन है वो मार्स के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए है। इस पे एक अच्छी बात ये है कि यूएई इसे लॉन्च कर रहा है कि हमें पता है कि यूएई में ये सारी चीज़ें कम होती है, वो अरब जो हैं वो मोस्टली जाने जाते हैं ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पॉवर्टी के लिए, या तो एकदम एक्सट्रीम अमीर या तो एक्सट्रीम गरीब। एंड मैं एक वीडियो देख रहा था नाज डेली का, तो उनमें उसने बताया, वो पूरी ट्रिप पे गए थे दुबई के, उन्होंने ये सब बात बताई कि वहाँ पे जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि इस मिशन पे 400 लोग काम कर रहे थे तकरीबन, उनमें से 200 लोग जो थे वो अरब्स थे और उनमें से 25 या 26% जो थी वो वुमेन थी। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट अप्रोच है और सोच है, तो इसे हमें सराहना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप इस पे थोड़ा और डिटेल में पढ़िए। और आगे काफ़ी मार्स मिशन भी होने वाले हैं इस मंथ, तो अपना जो है अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स देखने हैं तो उसमें आप थोड़ा जागरूकता बनाए रख सकते हैं। सो आज की पांचवी न्यूज़, आप मोस्टली वो नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे, जी हाँ जियो, जियो के बारे में है। जियो का जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने आज फिर से 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया है फोर डिफरेंट इन्वेस्टर से। तो अभी तक करीबन 11 ग्लोबल इन्वेस्टर जो हैं वो अराउंड 25.09% का स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में ले चुके हैं, जिनकी कुल कीमत जो है वो 1,18,000 करोड़ के आसपास है। और ये स्टेटमेंट इस इन्वेस्टमेंट जो हैं एक्चुअली ये राइट्स इशू के थ्रू बनाए गए हैं, जो कि जियो इन्फोकॉम जो RIL है उनका राइट्स ले रहे हैं, और ये RIL को एक तरह से कर्ज मुक्त कंपनी बनाने की कोशिश में है। और जियो प्लेटफॉर्म को पता है कि सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो आज लिया गया है, जो कि 6.3% जो उनका स्टेक है सेल में। जो कंपनीज जो हैं वो एल कैटरटन है, PIF है, सिल्वर लेक एंड जनरल अटलांटिक सिंगापुर। और हमें ये पता है कि जियो प्लेटफॉर्म जो है वो इसको रखता है जो RIL टेलीकॉम बिजनेस है, जो कि जियो टेलीकॉम जियो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अंदर आता है। ये कंपनी का लार्जेस्ट है अभी, सॉरी कंट्री का लार्जेस्ट है, और नियरली यहाँ पे अपने 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 4,000 लाख सब्सक्राइबर्स हैं बिसाइड्स डिजिटल प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जियो इन्फोकॉम जो है वो अभी भी इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी पूरी तरह से जियो प्लेटफॉर्म के सब्सिडियरी ही है और कोई उसे ओन नहीं करेगा, ठीक है। तो मुकेश अंबानी ही इसके मतलब कर्ता धर्ता होंगे। जो फेसबुक डील थी 22 अप्रैल को वो सबसे पहली डील थी, उसके बाद 11 और इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया इस पे, और ये जो डील हुई है वो अप्रूव्ड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से 24 जून को। और इन्वेस्टर जो हैं जियो प्लेटफॉर्म में वो हैं TPG, KKR, एल कैटरटन, जनरल अटलांटिक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, टू सोवरेन वेल्थ फंड्स फ्रॉम अबू धाबी, दैट इज अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड मुबादला, एंड वन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, दैट्स अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। इंटेल कैपिटल ऑल्सो इज देयर, द इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ US बेस्ड सेमीकंडक्टर जायंट। और ये 11th फॉरेन इन्वेस्टर बन चुका है और इसने करीबन 1,894 करोड़ लगाए हैं लास्ट वीक। तो ये थे आज के न्यूज़, थैंक यू।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे न्यूज़ आपके तक लाने की कोशिश करूँ, ताकि जो आसपास इतने सारे खराब न्यूज़ आ रहे हैं वो न्यूज़ को ना देखते हुए कुछ अच्छे न्यूज़ की हम बात करेंगे हर दिन के 5। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी वर्सेटाइलिटी लाना चाहता हूँ इस चैनल पे, एक कंटेंट पे ये फोकस नहीं रहेगा, ताकि जैसा जिसको चाहिए वो मिल सके और इस चैनल